बिग बॉस सीजन 13 का आज का एपिसोड टेलीकास्ट हो चुका है और आज का एपिसोड वाकई चोरी चकारी से भरा रहा, हंसी मजाक से भरा रहा, तो वहीं घर वालों पर तेवोलीना भट्टाचार्य जी का गुस्सा भी फूट पड़ा। जी हाँ, आज का एपिसोड इतना इंटरेस्टिंग और मजेदार था तो चलिए अब जान लेते हैं आज के इस एपिसोड की कुछ हाइलाइट्स। तो जनाब, शुरुआत होती है सुबह एक बेहतरीन गाने के साथ जहाँ पर ये घर वाले उस गाने को एंजॉय करते डांस करते हुए नजर आते हैं और फिर उनकी डेली रूटीन शुरू हो जाती है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक एक करके कन्फेशन रूम में बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप किसे सेव करना चाहते हैं नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में। और इस तरीके से यहाँ पर सभी घर वाले अपने पसंदीदा दो सदस्यों के नाम बताते हैं और फिर बिग बॉस सभी घर वालों को लिविंग एरिया में बुलाते हैं और फिर अनाउंस करते हैं कि कौन से सदस्य इस हफ्ते नॉमिनेटेड है। तो इस दौरान बहुत से लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो वहीं कुछ टीम्स के बीच में तकरार दिखाई देती है, जैसे कि माहिरा पारस छाबरा से रश्मि और देवोलीना नाराज होती हैं और अपनी नाराजगी जताती हुई भी नजर आती है। तो वहीं माहिरा भी अपने दोस्तों से नाराज दिखती हैं और उन पर गुस्सा निकालती हुई नजर आती है। तो वहीं सिद्धार्थ शुक्ला, जो आजकल देवोलीना के साथ काफी फ्रैंक हैं, उनका मजाक उड़ाते हुए नजर आते हैं कि ये जो हमेशा टीम करती हुई रहती है उसको उनके दोस्तों ने ही सपोर्ट नहीं किया और उसको नॉमिनेट कर दिया। और इस तरीके से इनका ये हंसी मजाक और लड़ाई झगड़े यूं ही जारी रहते हैं। खेसारी लाल यादव हिमांशु खुराना के कहने के बाद अपनी हेयर स्टाइल और बियर्ड लुक में चेंज करते हैं और फिर बाकी दोस्त मिलकर उन्हें चढ़ाते हुए नजर आते हैं कि वहाँ पर चंदा भाभी गांव में है और तुम यहाँ पर कभी किसी को आई लव यू बोल रहे हो तो कभी हिमांशी के कहने पर अपने लुक्स में चेंज कर रहे हो। खेसारी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, वो बार बार में अपनी वाइफ चंदा को समझाते हुए नजर आते हैं कैमरा के थ्रू। तो वही भाव और सिद्धार्थ शुक्ला आग लगाते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर तो खेसारी आपको भूल ही गए हैं, वो चाहते हैं कि आप गाँव में ही रह जाएं और ये यहाँ पर मुंबई में अपनी लाइफ मस्त सेटल होकर बिताएं। खेसारी कहते हैं अपनी वाइफ चंदा से कि तुम मेरी जान हो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आ सकता है और तुम लोगों को सिर्फ तिल्ली लगानी थी लेकिन तुमने तो लाइटर लगा दी है। और सिद्धार्थ कहते हुए नजर आते हैं कि हमने पेट्रोल डाला है। और इस तरीके से इनकी मस्ती मजाक यूं ही जारी रहता है। इसके बाद बिग बॉस घर वालों को एक टास्क देते हैं जिसमें देवोलीना और शेफाली जरीवाला बनते हैं चोर और उन्हें दो ट्रंक्स दिए जाते हैं जिनमें उन्हें घर वालों के सामान चोरी करने हैं और जो सामान वो चोरी करेंगी वो सामान घर वालों को वापस नहीं मिलेगा। इस दौरान घर वाले अपनी हर एक चीज को चिट्ठी पूरी होने से पहले ही छुपाना शुरू कर देते हैं और ये दोनों चोर तैयार हो जाते हैं। इस दौरान सभी घर वाले अपनी पूरी स्ट्रेटेजीज बनाते हुए नजर आते हैं, खूब मस्ती मजाक होता है और साथ ही इस दौरान होता ये है कि घर वाले मिलकर देवोलीना और शेफाली को टॉयलेट में बंद कर देते हैं। तो शेफाली तो ज्यादा चिल्लाती नहीं है क्योंकि वो बाथरूम में होती है, लेकिन देवोलीना को टॉयलेट में बंद कर दिया जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और जब बाहर निकलती है तो कहती है कि आप लोगों में दिमाग नहीं है, कौन ऐसा करता है, आप लोग यहाँ पर गोबर खाकर आए हैं क्या। और इस तरीके से वो सभी घर वालों पर अपना गुस्सा जाहिर करती हुई नजर आती हैं और ये आइडिया होता है सिद्धार्थ शुक्ला का और सिद्धार्थ शुक्ला से भी वो बेहद नाराज नजर आती है और उनपे भी अपना गुस्सा निकालती हैं। तो ये थी बिग बॉस सीजन 13 में सभी कंटेस्टेंट्स के बिग बॉस हाउस में बिताए गए डे 51 की हाइलाइट्स, जहां पर ड्रामा, फुल ऑन एंटरटेनमेंट और फुल ऑन लड़ाई झगड़े देखने को मिले। तो इसी तरह से हर एपिसोड की हाइलाइट्स यूं ही जानने के लिए और इस टेडी सीजन की कोई भी खबर मिस नहीं करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।